my lovelies, just welcome or welcome back to my channel. I hope all are you doing great and today I come back with my new video. So guys, अगर देख रहे हैं आप लोग मेरा चैनल पहली बार तो मैं हूँ फैशनिस्टा आम, आती हूँ DIY व्लॉग्स, होम डेकोर और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो. सो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले जिससे आप मेरी सारी नोटिफिकेशन पे अपडेटेड रहे. Guys, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ के ब्यूटी के क्रीम ब्लश का रिव्यू. सो रिसेंटली जो है के बाय कटरीना के जो है न्यू ब्लशेज जो है मार्केट में आए हैं और ये ब्लशेज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहे हैं और मुझे जो है क्रीम ब्लश बहुत पसंद है. टिंट जो होते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. समर्स में मैं जो है विदाउट मेकअप भी अगर क्रीम ब्लश लगाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्किन टोन में लगाकर बहुत सुंदर सा ग्लो रहता है. इसीलिए जो है मैंने के ब्यूटी का ये ब्लश मंगवाया है. मैंने सोचा इसको ट्राई भी कर लेंगे और रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि ये के ब्यूटी के ब्लश कैसे हैं. सो ये मेरे पास प्रोडक्ट जो है एक हफ्ते से रखा है और एक हफ्ते से मैं इसका जो है डेली ट्रायल कर रही हूँ. फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी मतलब सिंपल सी पैकेजिंग है और इसमें लिखा है बार के ब्यूटी क्रीम ब्लश इनरिच विद क्रैनबेरी प्लस एवोकाडो ऑयल. हमारे प्रोडक्ट्स में जो है एवोकाडो ऑयल रहता ही है और काफी अच्छे जो है के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है. पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और क्रुएल्टी फ्री है, तो ये सबसे अच्छी चीज है के ब्यूटी की. और ये जो ब्रांड है अपना इंडियन ब्रांड है के ब्यूटी. सो अब इसकी जो इनर पैकेजिंग है मैं आपको दिखाती हूँ कि इनर पैकेजिंग किस टाइप से है. इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की ट्यूब है और ट्यूब आप देख सकते हो कितनी सुंदर है. और मैंने जो ब्लश मंगवाया ये मंगवाया है रोजी रोमांस. सो मुझे जो है पिंक टाइप के जो ब्लश होते हैं ना वो बहुत पसंद है. ये जो ब्लश है ये ब्लश की जो कंसिस्टेंसी है वो जो है काफी अच्छी ब्लेंडेबल कंसिस्टेंसी है जो कि बहुत अच्छे से ये ब्लश जो है ब्लेंड हो जाता है स्किन पे. और ये जो है बिल्कुल भी ग्लॉसी फिनिश नहीं देता, ये जो है मैट फिनिश टाइप का जो है ब्लश है जो कि समर्स में अमेजिंग है मेरी जैसी स्किन टोन वालों के लिए, क्योंकि मेरी स्किन जो है समर्स में काफी ज्यादा ऑयली रहती है तो ऑयली स्किन वालों के लिए मस्ट है ये जो प्रोडक्ट है. और काफी अच्छी बड़ी ट्यूब मिलती है जो कि काफी टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं. डिटेलिंग आपको जो है बैक में मिल जाती है कि इसमें क्या क्या जो है चीजें यूज करी हुई हैं. सो अभी हम इसे ट्राई करते हैं और मैंने जो है अभी कुछ नहीं लगा रखा है, सिर्फ रोजवुड ऑयल लगा रखा है क्योंकि मैं विदाउट मेकअप जो है ज्यादातर ब्लश लगाती हूँ तो हम इसको विदाउट मेकअप ही लगाने वाले हैं. और इसको अच्छे से आप अपने फिंगर टिप से जो है अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं. लुक एट द ब्लश, प्रॉपर मैट फिनिश है, कितना सुंदर लुक आ रहा है चीक्स पे लगाने पे और स्किन टोन पे भी कितना सुंदर लग रहा है. सो मुझे ये जो ब्लश है ये बहुत ज्यादा पसंद आया है. मतलब मैं एक हफ्ते से कंटिन्यूअसली इस ब्लश को यूज कर रही हूँ. अभी जो पुराना वाला ब्लश है वो ऐसे ही रखा हुआ है जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज करती थी. अभी मैं फिलहाल ये के ब्यूटी जो कटरीना वाला ब्लश है ये डेली यूज कर रही हूँ. मुझे बहुत पसंद आया ये ब्लश क्योंकि मुझे क्रीमी ब्लश बहुत ज्यादा पसंद है. ये रिव्यू पसंद आया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें जिससे आप मेरी सारी नोटिफिकेशन पे अपडेटेड रहेंगे. और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फैशनिस्टा आमिया जिसमें मैं अपनी काफी सारी पोस्ट जो है शेयर करती हूँ. सो गाइज मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.